ये नहीं रहा विद इन 10 मिनट्स अगर हम उस तकनीक का उपयोग करते हैं उसको CPR बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अभी उस सिचुएशन में देनी है CPR हमें तब देनी है कि कोई भी कैजुअलिटी है। आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम लोग स्कूटी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट का दुर्घटना का पता नहीं चलता, ऐसा है कि नहीं है? अगर वो सांस ले रहा है तो हम अगर ऐसे देख रहे हैं तो वो अप डाउन होगा कि नहीं होगा? तो इसे क्लियर हो गया कि ये बंदा बेहोश है और इसको मेडिकल हेल्प की जरूरत है। इन बिटवीन हम क्या करेंगे, एम्बुलेंस पे कॉल करेंगे। आज सिर्फ एक ही नंबर याद रखना है, पहले दो नंबर थे 108 और 112, अब हमें सिर्फ ओनली वन नंबर याद रखना है। 112 नंबर पर कॉल कर देंगे, आप किसी की भी मदद ले सकते हैं। भीड़ इकट्ठी हो जाती है ना वहाँ पर कि अंकल या आंटी प्लीज आप 112 नंबर पर कॉल कर दीजिए, एम्बुलेंस आ जाएगी। और इन बिटवीन आपने उसकी मदद करनी है, यही आप लोगों को सिखाना है। अब मैं सीधा अपने टॉपिक पे आता हूँ। ये फाइनल हो चुका है कि बंदे की जो भी कैजुअलिटी है सांस रुकी हुई है, लेट्स स्टार्ट CPR। वर्किंग हैंड राइट है, यस, ये वाली ग्रिप बनानी है, सेंटर पॉइंट करो सेंटर। ये जो हमारा पोस्चर है ना आर्म का, बाजू का, अगर हम फोर्स ऐसे करेंगे तो फोर्स सारा ना डिवाइड हो जाएगा। हमें, मुझे ध्यान से देख रहे हो, कंधे से लेकर बाजू हमारी बिल्कुल स्ट्रेट सीधी होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। अब दोबारा करो, यस, देखो पहले वाले पोस्चर में हमें फर्क आ गया ना, तो हमें सीधी रखनी है। दिखाई जाए उसके बाद ही आपकी प्रैक्टिस कराऊं, वो थोड़ा बेटर रहेगा, आप इजी कर पाएंगे। एक बार आपको डॉक्यूमेंट्री दिखा देते हैं। एडल्ट के केस में 120 टाइम्स ठीक है, मतलब जब तक उसका सांस ना आ जाए, और 120 टाइम्स तो आपको करना ही करना ठीक है। इन केस ऑफ लाइक अगर आपको एक छोटे बच्चे की बात कर लें जो आपको 1 ईयर है, 1 2 3 4 5 और वो 120 टाइम्स ही होगा। यस सर, टाइमिंग वही रहेगी, लाइक जो 12 साल तक होगा आप इस एरिया का यूज करेंगे ठीक है। वही 120 टाइम्स आपको इस तरीके से प्रेस करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से 120 टाइम्स। बिल्कुल मैम, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज तान्या राणा, आई एम बीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। आज मैंने CPR के बारे में सीखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हम CPR का यूज़ करके हम किसी की भी जान बचा सकते हैं, इससे बड़ी हमारे लिए और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती कि हमारी वजह से किसी की जान बच सके। हमने आज CPR के बारे में सीखा कि इन्फेंट को हम 2 फिंगर से प्रेस करके उसकी सांस दोबारा लाने की कोशिश कर सकते हैं, और एक चाइल्ड को जो 1 से 12 साल तक के बीच में होगा उसको हम एक हाथ से प्रेस करके उसकी सांस वापस लाने की कोशिश कर सकते हैं, और एक अडल्ट को हम दोनों हाथों से प्रेस करके उसकी सांस वापस ला के उसको एक जीवन दान दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि CPR देने में कोई भी हमारे ऊपर कोई वो नहीं, हम दूसरे का जीवन बचा सकते हैं। इसे करने में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे ऊपर कुछ भी मतलब कोई एक्शन हो जाएगा, नहीं, हमें पहले ये देखना चाहिए कि हमारी वजह से किसी की जान बच जाएगी। थैंक यू सो मच। सो आपको कहीं पर भी CPR दे रही कहीं ज़रूरत लगे तो इसके लिए आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, अपना बेस्ट देके एक दूसरे को जान देनी चाहिए, उसका जीवन दान देना चाहिए। रेसुसिटेशन जो कि मानव जीवन की रक्षा के लिए इमरजेंसी में भी सांस या दिल की धड़कन रुक जाने पर उसकी जान बचाई जा सकती है, यह एक लाइफ सेविंग टेक्निक है और सबको यह टेक्निक आनी चाहिए। इसलिए CPR जाने के लिए एक मोबाइल वैन 25 जुलाई 2023 को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्य शाखा चंडीगढ़ से पूरे हरियाणा के लिए रवाना किया गया था। आज यह वैन हमारे कॉलेज राजकीय महिला महाविद्यालय में पहुंची है और आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट्री के जरिए CPR के बारे में जानकारी देकर आपको जागरूक करने की कोशिश की गई है। थैंक यू वेरी मच।